हेलो एवरीवन, देखिए मैं यहाँ पे मॉर्निंग में साबूदाना वड़ा बनाने वाली हूँ। तो मैं कैसे इसे भिगाऊंगी तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए भिगा के रखूँगी अच्छे से वॉश करके, तो मेरे साथ बनी रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं 1.5 बाउल में यहाँ पे साबूदाना ले ले रही हूँ और मैं इसे अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। वॉश करने के बाद फिर इसे थोड़ा सा पानी में मुझे यहाँ पे भिगा करके रखना है। सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए ही कवर करके रखूँगी और बाकी जो भी इसका मिक्सचर मैं रेडी करूँगी, वड़ा बनाऊँगी, वो मैं कल सुबह फ्राई करूँगी। तो मैं आज ही ये सब बना करके नाइट में मैं स्टोर करके रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो आप लोग देख लीजिए कैसे भिगाना है इसे। एकदम थोड़े से पानी में भिगाना है इसे, स्टिकी नहीं बनाना है, एकदम खिला खिला एकदम अच्छा दिखना है इसे। देखिए एकदम थोड़ा सा पानी से बनाना भिगाना है इसे। बहुत ज़्यादा भिगाने से ये एकदम खिचड़ी जैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे बनाना है इसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साबूदाना मैंने जो दिखाया था बाउल में, मैंने जितना दिया था मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगा करके रखा था। तो देखिए ये बहुत अच्छा, एकदम गीला नहीं कुछ नहीं, एकदम अच्छा, एकदम बहुत ये हुआ है, मतलब गीला बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी ये अलग अलग स्टिकी नहीं होना है बिल्कुल भी। तो देखिए ये बनकर रेडी है। तो मैं इसे अच्छे मिक्स कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे 3 मीडियम आलू उबाल ली हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आलू को अच्छे से क्रश कर लूँगी, इस तरीके से अच्छे से क्रश करना है। क्रश करके फिर इसमें मैं डालना है, पॉज करो। तो यहाँ पे मैं ये सेंधा नमक ले ले रही हूँ, इसमें सादा नमक अच्छा नहीं लगता, सेंधा नमक ही अच्छा लगता है। ये आप बोल सकते हैं महाराष्ट्रियन जो होते हैं उन लोगों का। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून फुल 1 टेबल स्पून पूरा ले रही हूँ तो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये महाराष्ट्रियन लोगों का बहुत ही फास्टिंग में यूज़ करने वाला चीज़ है, ये फास्टिंग में वो लोग खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है साबूदाना वड़ा का, वो मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ हमेशा। तो मैंने ये महाराष्ट्रियन लोगों से ही सीखा है ये बनाना, नहीं तो मुझे नहीं आता था पहले। तो इसमें मैंने जो बादाम है वो मैंने फ्राई करके इसका छिलका छील लिया है, और थोड़ा सा छोटा अदरक और कच्चा मिर्ची मैंने इसमें अच्छे से ग्राइंडर में मैंने पीस करके इसे स्टोर करके रखा हुआ है। तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं साबूदाना खिचड़ी में भी यही यूज़ करती हूँ और इसमें भी यही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग इसमें आराम से, मैं इसका अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका रेसिपी भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रिजर्व करा हुआ था, स्टोर किया हुआ था, तो मैंने इसलिए बनाया नहीं फिर से। तो अगर आप लोग बोलोगे कि कैसे बनता है तो फिर मैं ज़रूर से शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिएगा ज़रूर से। तो मैं ये सारे चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे मेन ये इंग्रेडिएंट होता है सेंधा नमक, और ये आपका कोरिएंडर लीफ। आपका जितना ज़्यादा कोरिएंडर लीफ होगा उतना आपका टेस्ट अच्छा आएगा, और नमक एकदम बराबर से डालिएगा। तो यहाँ पे इसे खाते हैं कर्ड के साथ। तो मैं मॉर्निंग में अभी मैं इसे बना करके स्टोर करके फ्रिज में रख दे रही हूँ रात के लिए। रात में ही मैं ये अच्छे से एक कंटेनर में मैं अच्छे से इसे मिक्स करके राउंड शेप करके मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। मैं सुबह इसे फ्राई करूंगी और मैं आप लोगों को सुबह ही इसका जो कर्ड के साथ खाते हैं वो कर्ड का मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाऊंगी। तो मैं देखिए कितने अच्छे से इसे मिक्स कर लियो। तो इसे अच्छे से आटे जैसा मिक्स करना है, बहुत टाइट नहीं, एकदम हल्के हाथों से इसे करना है। तो लास्ट में ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर ये अच्छा सा एक टेक्सचर ऐसा आएगा। तो आप लोगों का ये टेक्सचर इस तरीके से बनेगा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। मैंने यहाँ पे ये पानी ले लिया है थोड़ा सा हाथ में लगाने के लिए, हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो देखिए इसमें मैंने अच्छे से इसे बना लिया। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाना है ये एक बार देख लीजिए आप लोग। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हाथ से मैंने पानी ले लिया था। तो देखिए ये इसको अच्छे से दबा करके इस तरीके से इसे बनाना है। तो देखिए किस तरीके से बनाना। तो एक एक करके मैं सब बना लूंगी। तो इसमें मैंने 1.5 बाउल यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया था, तो उस हिसाब से मैंने 3 आलू मैंने यहाँ पे मिक्स किया है बॉईल करके। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। और ये आप लोग आराम से 2 दिन भी, बहुत ज़्यादा भी अगर बन जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग आराम से स्टोर करके रख सकते हैं इसे, कभी भी आप लोग फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये मेहमानों के आने के लिए या फिर फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा, जैसे साबूदाना खिचड़ी होता है तो इसमें देखिए प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदरक है और ब्लैक नमक है। तो ब्लैक सॉल्ट तो फास्टिंग में ही यूज करते थे। देखिए इस तरीके से सब बना लूंगी मैं एक एक करके, और मैं इसे स्टोर करके रखूंगी, फिर मैं सुबह कल फ्राई करूंगी।
तो ये हस्बैंड के नाश्ते में बहुत अच्छा रहता है, अनु भी खाती है, तो मैं एक एक करके सब बना लूंगी। देखिए मैंने इसे किस तरीके से, ये देखिए पूरे मैंने बना लिया है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जितना आपका आलू अच्छा रहेगा ये उतना अच्छा रेडी होगा। अगर आलू आपका कम पड़ जाता है तो फिर ये ना फटता भी है जब फ्राई करते हैं ऑयल में, तो आप लोग थोड़ा देख करके ही फ्राई कीजिएगा इसे। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारा बनकर रेडी हुआ है, तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना फ्राई कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं इसे रख दूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मेरा चाय बनेगा, तो मैं दूध ले ले रही हूँ, अदरक निकाल ली हूँ। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैंने चाय मैंने यहाँ पे बिठा दिया था, तो मैंने दिखाया नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्ड का जो मिक्सर है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कैसे क्या करना है। तो मैंने 10 रुपीज़ वाला एक कर्ड ले लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने उसे अच्छे से फेंट लिया, एकदम दूध की तरह एकदम अच्छा मिक्स हो जाना है। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून जितना, हाफ से भी थोड़ा कम, मैंने यहाँ पे सेंधा नमक ले लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला यहाँ पे मैंने ले लिया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला लेने से क्या है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर लिया है, तो ऑप्शनल है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देने में मैंने मिक्स कर दिया उसे अच्छे से। यहाँ पे देखिए कितना फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम रखने से ये फटता भी है, तो आप लोग बी केयरफुल, बहुत अच्छे से इसे फ्राई करिएगा। तो आलू अगर कम हो जाता है, गैप होता है, तो फटने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो हस्बैंड को 4 से 5 ही चाहिए था, तो मैंने इतना ही पहले फ्राई किया। देखिए 5 मैंने फ्राई किया है, एक मैं और बाद में एक और डाल दी थी, तो इसमें मैंने एक और डाल करके फ्राई कर लिया। तो देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इस तरीके से इसे फ्राई करना है, थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे इसे तो हल्का रेडिश आ जाएगा ये। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो अब मैं इसे निकाल दूँगी, निकाल करके इसे थोड़ा सा टिश्यू पेपर में डाल दूँगी तो ऑयल सोख लेगा। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और ये बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए कर्ड के साथ में सर्व कीजिए। तो मैंने हस्बैंड का टिफिन भी पैक कर दिया यहाँ पे। ये देखिए ये तो खा रही है और मैंने भी यहाँ पे नाश्ता ले लिया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, अनु चली गई है स्कूल, तो बचा हम लोग। तो हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग खा करके बताएंगे कैसा बना है। ये देखिए एकदम गर्म गर्म, उसमें से बहुत गर्म है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट और फॉलो ज़रूर से करिए। और ये रेसिपी बना करके ज़रूर से बताइए कैसा बना है। अगर कुछ गलती हुआ तो बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मांग रही है, अच्छा बना है, तो आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा और प्लीज फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।